हैं कांग्रेस के साथ में लोग। मैडम नहीं मैडम कच्चे और क्रूर सबूतों के साथ दिखा लेते हैं बीजेपी के वो कितने दिन से कार्यकर्ता हैं और वोटर हैं सबके साथ हम कच्चे और सबूतों के साथ को दिखा सकते हैं। ताहिर खान अरे मैम इन्होंने ने बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। वो मंत्री है उनका परिवार भी बीजेपी में उनके भाई जाकिर जी उनसे बीजेपी में वो ऐसा है मैम वो स्टेट अलग है वो एक मिनट उसका भाई हरियाणा सरकार में मंत्री है हम वो बिहारी राजस्थान में उससे हमें क्या लेना देना हमारा कोई ये चाहे कुछ ही करे ये बीजेपी में रहे और पार्टी में रहे कुछ लोग हम ये पूछना चाहते हैं। देखिए ये इस वक्त यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी थे इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। अभी घंटों से यहाँ अंदर सनसेट टेलीविजन जो यहाँ अंदर ऑफिस है यहाँ पर मीटिंग चल रही थी जाहिदा खान को टिकट देने के नाम पे जो मीटिंग चल रही थी घंटों से वो अभी यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है और यहाँ पे जितने समर्थक है यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है और ये अब अपनी अपनी ओर जा रहे हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे DTV चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जाहिदा खान धीरे जबस्ती मेरा नाम है जी, जी। मैं शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का कामा से जी। मेरा कहना ये है कि इन लोगों ने जो ये बीजेपी की BT में काम कर रही है ये कभी से कांग्रेस ही नहीं रहे। जब यहाँ AIC से प्रदर्शन हुआ था चाहे वो CBI या ED की रेड हो चाहे राहुल गांधी से पूछताछ हो वो कहीं नजर नहीं आए ना ये प्रदेश की किसी मीटिंग में गए ना किसी जिले की मीटिंग में गए कहीं भी ये मीटिंग में नजर नहीं आते। आज ये बीजेपी से पैसा लेके यहाँ विरोध कर रहे हैं। अच्छा। ये सब हरियाणा के लोग हैं एक भी राजस्थान का और कामा क्षेत्र का कोई भी आदमी नहीं है। अच्छा। आप इनसे अगर आप इनकी ID पूछेंगे तो कोई हरियाणा का निकलेगा कोई कहीं का निकलेगा ऐसे ही आरोप उनका है कि जो भीड़ तो आप इनसे काम करिए एक काम करिए ना इनसे पूछ लीजिए आधार कार्ड देख लीजिए सबको 200 रुपए में जुटाई गई भीड़ है ये सब बात की बात है ये सब बेकार की बात है। क्या नाम है? जुनैद खान। जुनैद जी कह रहे 200 रुपए की भीड़ जुटाई हुई यहाँ पे प्रदर्शन आधार कार्ड चेक कर लो हम कानों विधानसभा क्षेत्र से जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राउंड नंबर लगा दिया।